जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बाबा के ढाबा के ओनर कांता प्रसाद ने सुसाइड करने की कोशिश की, इसकी जानकारी पुलिस ने दी और वो फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती है। और उनकी पत्नी ने बताया कि वो कुछ दिनों से स्ट्रेस में थे। बाबा के ढाबा के ओनर 80 वर्षीय कांता प्रसाद को गुरुवार को रात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि सुसाइड करने की कोशिश में एक लॉ भी लगता है, जो कि है IPC सेक्शन 309। कुछ ही दिन पहले खबर यह आई थी कि बाबा ने एक रेस्टोरेंट खोला था और उन पर बहुत ही ज़्यादा लॉस होने के कारण उन्होंने वो बंद कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जानकारी दी कि गुरुवार को रात को उनके पास PCR कॉल आया और बताया गया कि आत्महत्या की कोशिश की गई है एक व्यक्ति की। तो फिर फौरन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस वालों को भेजा और वहां पर देखा तो वहां पर कांता प्रसाद जी मिले थे और उनकी पत्नी ने बताया कि वो काफ़ी दिनों से तनाव में थे। अब तनाव में दो रीजन से जा सकते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि उनके रेस्टोरेंट में बहुत लॉस हुआ, उनका रेस्टोरेंट है वो बंद हो गया, तो उसके कारण वो तनाव में जा सकते हैं। और गौरव वासन पर बहुत बहुत झूठे झूठे एलिगेशन लगाए थे, इस कारण भी वो परेशान हो गए। बताया जा रहा है कि बाबा ने रात को शराब भी पी थी। जैसा कि आपको पता ही है कि गौरव वासन ने बाबा की बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी और फिर है उन गौरव वासन पर एलिगेशन लगे थे, इस कारण भी बाबा है वो अपने आप को सॉरी महसूस करते हुए भी तनाव में जा सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।